नेहरू गांधी परिवार के शासनकाल में देश की सड़कों से लेकर संस्थानों पुरस्कारों तक के नाम इसी परिवार के नाम पर रखे गए। इस बात को लेकर देश में कई मौकों पर आवाज उठी, लेकिन नेहरू गांधी परिवार का ये खेल जारी रहा। भ्रष्टाचार और घोटालों का खेल करने वाली पार्टी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम भी गांधी परिवार राजीव गांधी के नाम पर रख दिया। लेकिन मौका भी और दस्तूर भी है, इसलिए 4 दशक बाद भारत ने जो ओलंपिक में हॉकी में पदक जीता और महिला हॉकी टीम अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन कर चुकी है, इस मौके को यादगार बनाते हुए पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मतलब खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए देश भर से नागरिकों का आग्रह मिला है। खेल रत्न अब तक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए देश भर से नागरिकों का अनुरोध मिला। मैं उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। जय हिंद। पीएम ने आगे कहा कि ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रयास किए और इनके शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। गौरतलब है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। भारत में ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला खेल रत्न ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। अब तक 45 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। इनमें 3 हॉकी खिलाड़ी भी हैं। इनके नाम हैं धनराज पिल्ले, सरदार सिंह और रानी रामपाल। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीम्स का असाधारण प्रदर्शन समूचे देशवासियों के दिलो दिमाग में बस गया है। देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हॉकी के प्रति एक नए सिरे से रुचि उभर रही है। ये आने वाले समय के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।